Hi guys, welcome to my channel Digital Book. This is Ashish. Please like, subscribe and share my channel and press the bell icon so that we'll never miss a video from Digital Book. So, आज ये मैं discuss करूँगा जब उसे class 6 रो Pathani Samanta रो questions. First question थे last, सानोरो बड़ो क्रम हो रहे थे वा पांचोटी संख्या रो जोगा फलो 861. जो दी प्रथम तीनोटी संख्या रो जोगा फलो 466 एवं शेषो तीनोटी संख्या रो जोगा फलो 579 हुए थे. तेरे तृतीय संख्या डी कहते. तो कौन करिबा फर्स्ट कोई रखूँ ची कि मु जो क्वेश्चन डिस्कस कोची सेटा सेट ए रो ठीक अच्छे सेट ए रो क्वेश्चन सेटा तो ये ठीक कौन करिबा जो दी टा जोगा फलो देसी ताकु ऐड कर दबा जेती क्यों हबो माइनस 861 कर दबा तो आंसर है जो 184 ठीक अच्छे ये तारो सॉल्यूशन दी टा को ऐड करले 1045 वाला माइनस 861 कर दबा 184 है जो आंसर ठीक अच्छे The next question, root of 4, 6 plus 2 into root of 4, 21 plus root of 4, 19 minus root 9. तो याकु सॉल्व कुला बेले कौन करेगा? Root 9 रो फर्स्ट काट देगा. Root 9 रो केते 3, 19 minus 3 हिजबा 16, root 16 रो केते 4, 21 plus 4 हिजबा 25, तारो root केते 5, 2 into 5 हिजबा 10, 10 plus 6, 16, 16 रो root केते 4, answer हिजबा 4, ठीक अच्छे? आंसर भी कर देई छी आ अपलोड भी कर देबी क्वेश्चन एंड आंसर बोथ अपलोड कर देई मु ठीक छै एटा हला 4 देन थर्ड क्वेश्चन जदी एक धाड़ी रे 6 टी खंभ समदूरता रे रहंती एवं प्रथम चतुर्थ खंभ मध्ये रे व्यवधान 60 मीटर हुए तबे प्रथम शेष खंभ मध्ये रे दूरता केते होबो प्रथम चतुर्थ खंभ भितरे 60 मीटर ठीक छै एटा हला फर्स्ट खंभ एटा हला सेकंड थर्ड फोर्थ प्रथम आ फोर्थ भीतर दूरता केते 60 मीटर तो केते हला एठु एठकी एठु एठकी एठु एठकी केते हला 20 20 20 60 हला ठीक अछि तो क्वेश्चन रे हमकु कहि छि कि सब समान दूरता रे अछि माने सब 60 सॉरी सब 20 मीटर अछि तो आंसर केते होबो 20 20 20 20 25 टाइम्स 20 माने 100 मीटर हे जइबो आंसर ठीक अछि The next question, question number 4 हला 1, 4, 7, 10, 13 क्रमरे थिवा 1, 4, 7, 10, 13 क्रमरे थिवा 15 तमो पदोटी केते 15 तमो पदोटी केते होबा एठी देखो plus 3, plus 3, plus 3 बड़ी बड़ी जाएची तो हमती बड़ी बड़ी गोले केते होबा answer 43 होबा ठीक अछि The next question 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus mt करिके केते जाए 101 जाए तारो समष्टि केते होबो कहि छि तो तारो आंसर होबो 101 जते जाए कहितबो 101 minus 101 by 2 तारो फार्मूला अछि 101 लास्ट टर्म minus लास्ट टर्म by 2 तो केते होला 101 minus लास्ट टर्म by 2 101 by 2 केते होबो 50 होबो एक्चुअली 50 पॉइंट समथिंग होबो किंतु पॉइंट को काढी माने डिस्कार्ड कर दियो तो केते हला 101 माइनस 50 इक्वल टू केते हला 51 तो आंसर हिजबा हमरो 51 ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन थिला निम्न रे दिया जइथबा संख्या गुडी को मध्यरु केउटी 45 द्वारा विभाज्य होबो 45 द्वारा कोडा विभाज्य होबो जोडा 5 द्वारा विभाज्य होबो जोडा 9 द्वारा विभाज्य होबो सेटा 45 द्वारा विभाज्य होबो तो आंसर हला 202860 ठीक अछि और 9 द्वारा कोटा विभाज्य होबो जोटा जो संख्या रो अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य से संख्या 9 द्वारा विभाज्य और 5 द्वारा विभाज्य कोटा होबो जो थरे एकक होरे 0 और 5 अछि सेटा 5 द्वारा विभाज्य और जो संख्या डा बोथ 5 एंड 9 द्वारा विभाज्य सेटा 45 द्वारा विभाज्य ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus up to केते 1 by 99 into 100 रो मानो केते तो question number 7 रो answer हला 99 by 100 ठीक अछि काहे कि ना last term जति कि थिबो हर रे 99 into 100 तो answer हिबो सेति कि 99 by 100 ए 99 टा लबो हिजबो 100 टा हर हिजबो ठीक अछि और यू कैन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर देन क्वेश्चन नंबर 8 कोन अछि जदी सॉरी 10 नंबर
দুইটি সংখ্যার গুণফল 243 এবং সংখ্যাদ্বয় মধ্যরু গোটিয়ে অন্যটির তিন গুণ হলে সংখ্যাদ্বয়ের অন্তর কেতে হব। কোশ্চেন নম্বর 8 র অ্যানসার হলা x ইনটু 3x ইকুয়াল টু 243, 3x স্কোয়ার ইকুয়াল টু 243, x স্কোয়ার ইকুয়াল টু কেতে 243 বাই 3, তো 243 বাই 3 কেতে হলা 81, x স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি 81 হলা, x ইকুয়াল টু কেতে 9 হলা, তো সংখ্যা দুইটি কেতে হলা 9 এন্ড 27। বাট আমাকে কোশ্চেন রে কোন পচারছি না সেই সংখ্যা দুইটির অন্তর কেতে হব, তো 27 মাইনাস 9 ইকুয়াল টু 8। ঠিক আছে, দ্য নেক্সট কোশ্চেন, সরি 18, 27 মাইনাস 9 ইকুয়াল টু 18। ওকে, দ্য নেক্সট কোশ্চেন, ইয়ার মান পচারছি 0.09 র স্কোয়ার মাইনাস 0.03 র স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 0.12, তাকে আমি কম করবা তাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করে দেওয়া তার মান কেতে আছে ক্যালকুলেট করে পারবা, তো ইয়া পাই অ্যানসার হল 0.6। ঠিক আছে, দেন কোশ্চেন নম্বর এটা দেখে দেছি ইয়ার সলুশন বি, এটা হল 0.06 ইয়ার সলুশন, 9/100 র স্কোয়ার মাইনাস 3/100 র স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 12/100 ইকুয়াল টু 81/100 র স্কোয়ার 10,000 মাইনাস 3 র স্কোয়ার 9/100 র স্কোয়ার 10,000 ডিভাইডেড বাই 12/100, তো গুণনাত্মক বিলম্বি হয়েকি এটা উল্টি গলা, তারপরে কোণ হল 0.06 হয়েগলা আনসার, আনসার হল 6/100 যেটা কি 0.06। ঠিক আছে, দেন নেক্সট কোশ্চেন হল কোশ্চেন নম্বর 10, কোশ্চেন নম্বর 10 অছি যদি পি ইকুয়াল টু 3/5, কিউ ইকুয়াল টু 7/9, আর ইকুয়াল টু 5/7 হয়ে তবে নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটি ঠিক হব, কেউ উক্তিটি ঠিক সেটা জাঁয়া আমি কোণ করা 5/9/7 সবু হরক আমি সেম করা, কেমতি সেম করা না তার লসাগু নিয়ে যা যেতে হব সেত সবু হরক বনাই দেওয়া, যেমতি কি তার আনসার হল সবু হর লসাগু হল 315, তো 315 আমি সবু করলা, তো 189/315, 225/315, 245/315, আনসার হল পি লেস দেন আর লেস দেন কিউ। ঠিক আছে, দেন নেক্সট কোশ্চেন হল নিম্নলিখিত ভগ্নাংশ গুড়ি মধ্যে কেউটি 3/5 ও 2/3 মধ্যে রহব, 3/5 ও 2/3 মধ্যে কেউটা রহব 31/50 রহব, কাহিঁকি না 3/5, 2/3 আর 31/50 সবুর হর যদি সমান করে দেওয়া তো আনসার মিলে যাব, কিন্তু এটা রহবনি, এ বি সি রহবনি। ঠিক আছে, দেন কোশ্চেন নম্বর 12, 1-5/6, অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন নম্বর 12টা আনসারের রং অছি নহলে কোশ্চেনের রং অছি আনসার আসুনি। ঠিক আছে, দেন কোশ্চেন নম্বর 13, গোটিয়ে বলকু এক নির্দিষ্ট উচ্চতার তলকু পকাইলে এহা তলে পড়িবা পরে যেতে উচ্চর পড়ি থাকে তার 3/5 অংশ পুনি উপরকু উঠি যায়, মানে ড্রপ হুয়ে, যদি বলটি 100 মিটার উচ্চতার তলকু পকা যায় তবে ক্রমাগত তৃতীয় থর থার্ড টাইম যেতবে আমি উপর তলকু পকাউছু তো বলটা কেতে উপরকু উঠিব, তো কোশ্চেন 13 র আনসার হল ফার্স্ট টাইম পকাইলে 100 র 3/5 উঠুছি মানে 60 মিটার, সেকেন্ড টাইম 60 রু পুনি 3/5 36 মিটার, থার্ড টাইম 36 রু পুনি 3/5 21.6 মিটার, আনসার হল 21.6 মিটার। ঠিক আছে, দেন কোশ্চেন নম্বর 14, কোশ্চেন নম্বর 14 কোণ কেছি 0.5×0.05×0.005×50 র মান কেতে, তো তাকে যদি আমি ভগ্নাংশে সব প্রকাশ করে দেওয়া তো আনসার হয়ে যাবে আমার 0.00625। কোশ্চেন নম্বর 15, 0.09×0.75+9.12 ইয়াকু বি যদি আমি ভগ্নাংশে পরিণত করে দেওয়া তো তার আনসার হয়ে যাবে 9.24। দেন কোশ্চেন নম্বর 16, কোশ্চেন নম্বর 16 অছি 06, 24, 60, 122, 10 ক্রমর পরবর্তী দুই সংখ্যাটি কেতে, জিরোটা কেতে 1 র কিউব মাইনস 1, 6টা কেতে 2 র কিউব মাইনস 2, এটার 3 র কিউব মাইনস 3, 4 র কিউব মাইনস 4, 5 র কিউব মাইনস 5, 6 র কিউব মাইনস 6, তো এটি হয়ে যাব 7 র কিউব মাইনস 7, আর 8 র কিউব মাইনস 8, যেটা কি হচ্ছে 336 আর 504। কোশ্চেন নম্বর 17, তিনোটি সংখ্যার গসাগু 12 অটে, যদি সংখ্যাগুড়ি 1:2:3 অনুপাতে রহন্তি তবে সংখ্যাগুড়ির সমষ্টি কেতে, তো 1:2:3 তিনোটি সংখ্যার গসাগু 12 মানে ইন্টু 12 করে দিও, 12+24+36, 12×1=12, 12×2=24, 12×3=36, তো সবুক অ্যাড করে দিলে কেতে হব 72। ঠিক আছে, দেন কোশ্চেন নম্বর 18,
ट्वेंटी टू पावर फिफ्टी इंटू फिफ्टी टू पावर ट्वेंटी रे केतोटी शून अच्छी तो ट्वेंटी टू पावर फिफ्टी रे फिफ्टी शून अच्छी आ फिफ्टी टू पावर ट्वेंटी रे ट्वेंटी शून अच्छी तो टोटाल केतोटा शून है टोटाल सेवेन्टी शून है ठीक अच्छे। देन क्वेश्चन नंबर नाइंटीन फोर टू पावर इलेवेन इंटू फाइव टू पावर ट्वेंटी रे केतोटी अंक अच्छी तो फोर टू पावर इलेवेन को आम कौन लिखिपर टू टू पावर टू होल टू पावर इलेवेन इंटू फाइव टू पावर ट्वेंटी अगेन टू टू पावर ट्वेंटी टू है यहाँ इंटु ये फाइव टू पावर ट्वेंटी तो टू टू पावर ट्वेंटी टू को आम लिखिपर टू टू पावर ट्वेंटी इंटु टू टू पावर टू तो टू टू पावर टूटा है फोर तो ये केगला टू टू पावर ट्वेंटी इंटु फाइव टू पावर ट्वेंटी होल मैंने टेन टू पावर ट्वेंटी होगा इंटु फोर जोटा कि टेन टू पावर ट्वेंटी कोड़े एकुशटा डिजिट रु फोर कले भी सी एकुशटा डिजिट एकुशटा अंक रहा तो आंसर है एकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन जन पिला प्रत्येक गोटाए पाउंडर यथाक्रमे 48 सेंटीमीटर यथाक्रमे 48 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर बाट चलती से मैंने अति कम रे केते बाट चलने से ही सामान दूरता को पूर्ण पाउंड पक शेष करेंगे तो तीन टा जाकर आम जदि लसा को नहीं जावा जी हम आंसर होती की तो लसा को है 1200 सेंटीमीटर तो आंसर होगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 689 द्वारा विभाज्य होता चारि अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्याटी केते तो नाइन रे एटा तो फास्ट नाइन रे विभाज्य होबनी एटा नाइन रे विभाज्य होबनी से काटि दियो फास्ट और थर्ड ऑप्शन रहिला जोटा कि नाइन द्वारा विभाज्य हो पारिबो तापरे एट द्वारा विभाज्य होउछि सिक्स द्वारा विभाज्य होउछि तो सबुटु छोटोटा कोटा 1008 ठीक अच्छे। देन क्वेश्चन नंबर 22 1011009 परवर्त संख्या सहित 1000110 परवर्त संख्या को जदि जोग कले जहाँ जोगफल हम ताक लेखापी यथाक्रमे केतोटी एक और केतोटी शून दरकार हम तो यहाँ है तार परवर्त संख्या होगा 1010100 यार परवर्त संख्या होगा 1000111 तो ताकू एड कलापर आंसर है 7टा एक है आउ गोटे जीरो है सरी 7टा एक है आ गोटे जीरो है यस ठीक अच्छे। देन क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है एक कोटी सहित निम्नोक्त क्योंटी सामान एक कोटी मान है यहाँ तो एक लक्षर शहे गुण एक लक्ष है से पुणी दुटा जीरो मिसाईद मैंने के एक लक्षर शहे गुण। देन क्वेश्चन नंबर 24 तीनोटी कदमी को दी टंकारे किनी से कदमी को तीन टंकारे दुईटी को बिक्री कले के लाभ बा क्षति हे कदमी तीन टा कदमी और ये दाम है दी टंका तीन टा कदमी को दी टंका तो छटा कदमी को कैसे है चार टंका आमर किणा दाम तापर कैलकुलेट कर बिक्री दुईटा कदमी को बिकी तीन टंकारे तो छटा कदमी को कैसे हम थ्री इंटू थ्री नाइन हम तो लाभ के फाइव नाइन माइनस फोर इक्वाल टू फाइव पांच टंका लाभ है जदि किणा दाम कम अच्छी बिक्री दाम बेसी अच्छी तो लाभ जदि किणा दाम बेसी अच्छी बिक्री दाम कम अच्छी तो सेटा है क्षति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे वस्तु को 161 टंका रे बिकिले किणा दाम रो 1/6 अंश लाभ मिले वस्तुर किणा दाम केते तो वस्तुर किणा दाम एक्स नियो एक्स इंटू 1/6 इक्वल टू एक्स बाय सिक्स है तो एक्स प्लस एक्स बाय सिक्स इक्वल टू केते 161 कहीं लाभ देछि लाभ मिसिकी 161 टंका तो ये एक्स बाहर करपरिया एक्स रैल्यू के 138 तो आंसर होगा 138 टंका। गोटे बही रे एक पृष्ठारु 400 पृष्ठ पर्यंत अच्छी एही बहीर समस्त पृष्ठार संख्या लिखिबारे मोट केतोटी अंक व्यवहार होइछि एक रु दस जाए लिखला बेले एक रु नौ जाए तो नौटा हम एक रु नौ जाए दसटा हम प्लस दस लिखला टाइम आम एक रु दस जाए दसटा हो प्लस दस लिखला टाइम आम दुईटा अंक यूज करुच्छू जोटा कि वन गोटे जीरो गोटे तो एक रु दस जाए एगारटा एगार रु कोड़े जाए कोड़ेटा एक रु नबे जाए कोड़े गुणन सात 140 91 49 जाए 18 तापरे 100 रु 110 जाए 33 101 रु 200 जाए 30 गुणन 10 300 देन 200 रु 300 जाए 300 300 रु 400 जाए 300 रु 400 जाए 300 तो टोटल केते हला 1092 1092 संख्या सॉरी अंक हला ठीक अच्छे। 27 ए ओ बी स्थान मध्य दूरता 20 किलोमीटर जदि दुई जन व्यक्ति एक्स ओ वाई यथाक्रमे ए ओ बी रु एक समय रे बाहरी घंटा प्रति तीन किलोमीटर आउ दुई किलोमीटर बेगरे परस्पर आड़क आसती एक्स आसूची गोटे साइड रे तीन किलोमीटर घंटा प्रति आउ वाई आसूची अलग साइड रु दुई किलोमीटर घंटा प्रति तो सेमाने परस्पर को केते समय पर भेटिबे तो कौन करिबा 3x + 2x =
20 किलोमीटर कर देबा तो केते हला एक्स वे हारि जबो एक्स हला 4 तो आंसर हला 4 घंटा बा 4 घंटा देन क्वेश्चन नंबर 28 केउ भग्नांशटी 3/4 तारु बृहत्तर किंतु 5/6 तारु क्षुद्रतर यार यदि हर यदि हमें सेम कर देबा तो आंसर मिल जबो हमको 4/5 ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 29 8 इनटू 9969 इनटू 125 माइनस 8 इनटू 69 इनटू 125 को सरल कोले जो संख्या मिलबो तहार डाहाण पटे केतेडा शून्य रहइबो तो 125 इनटू 8 हला 1000 तो 9969 रे 1000 मल्टीप्लाई कोले केते होबो 9969 1000 एथिरे पुनी 69000 तो केतेडा जीरो हला 1 2 3 4 5 माइनस जदि कर दबा तो 5 टा शून्य होबो नेक्स्ट क्वेश्चन हला तीनोटी संख्या 34 51 ओ एक्स रो गसागु 17 नोटे जेई सेमानकर लसागु 5 1 0 हुए तबे एक्स केते होबो एक्स हे जइबो एठी आंसर हे जइबो 170 ठीक अछि आंसर थ्रू रो क्वेश्चन रो सॉल्यूशन काढि परबो ऑप्शन थ्रू रो जाई के क्वेश्चन रो सॉल्यूशन काढि परबो ठीक अछि केतेडा क्वेश्चन था एमति कि ऑप्शन साइट रो जिबाकु होय ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 31 1569 को व्यवहार करी केतोटी तीन अंक विशिष्ट संख्या गठित होई परबो जेपर कि कोनोसी अंकर पुनरावृत्ति या रिपीट होवनी तो 1 को नै कि 6 टा होई परबो सेमति 5 को नै कि पुनी 6 टा 6 को नै कि 6 टा 9 को नै कि 6 टा तो 4 * 6 = 24 टोटल हो 24 टा डिजिट होई परबो सॉरी 24 टा संख्या होई परबो हरी पाखरे कुकुड़ा और छेली मिसी की 30 टी अछंती जदि उक्त कुकुड़ा और छेली मानकर गोड़ संख्या मिसी मोट 100 हुए तबे हरी पाखरे केतोटी छेली अछंती तो फर्स्ट ऑप्शन देसी 10 10 माने तार छेली संख्या 10 माने 40 टा गोड़ हला तापरे कुकुड़ा रो केतड़ा हला कुकुड़ा रो पुनी 10 टा गोड़ सॉरी 40 टा हला एटा 10 माने आ 20 टा कुकुड़ा रहले ना 20 टा रो 40 टा गोड़ तो केते हला 80 हला किंतु क्वेश्चन रे केते देछि 100 देछि आंसर हमर 100 बागता तो एठी 100 होछि 20 टा छेली रो गोड़ 80 टा तापरे 10 टा कुकुड़ा रो गोड़ 20 टा तो केते हला 100 आंसर हे जइबो एटा देन 5 to the power 5 plus 5 to the power 5 टाइम्स तार रूट ऑफ 4 रा मान केते तो आमे ताकु लेखि परबा 5 into 5 to the power 5 ताकु लेखि परबा 5 to the power 6 ताकु लेखि परबा पुनी 5 to the power 3 to the power 2 तो स्क्वायर आउ स्क्वायर रूट कैंसिल तो केते हला 5 to the power 3 = 125 ठीक अछि गोटिए सूक्ष्मकोणी त्रिभुज रो शीर्षबिंदु मानकर भूमि प्रति लंब अंकन कले केतोटी समकोणी त्रिभुज गठित हबो तो गोटे अंकन कले गोटे लंब अंकन कले केते होछि दीटा त्रिभुज होछि तो तीनटा अंकन कले 3 दुना 6 ठीक अछि आंसर हबो 6 दत्त चित्र रे केतोटी सूक्ष्मकोण अछि आंसर हबो 7 काहे कने 1 2 3 4 5 पाँचटा अछि ता सहित एटा गोटे तापर एटा गोटे दीटा बि तो सूक्ष्मकोण ना सेति पई 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 क्वेश्चन नंबर 36 अशोक चक्र रे 24 टी अर अछि तो दुईटी परस्पर निकटवर्ती अर केंद्र रे सृष्टि करदा कोणर परिमाण केते तो गोटे राउंड माने गोटे वृत्तर टोटल कोणर परिमाण केते 360 डिग्री अशोक चक्र रो सब अर समान अछि तो 360 बाय 24 केते हला 15 डिग्री ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न रे दिया जाय उक्ति गुड़ को मध्ये केउटी ठीक अटे यार आंसर हला गोटिए समकोण आ गोटिए सूक्ष्मकोण संलग्न हेले सर्वदा स्थूलकोण सृष्टि हुए ठीक अछि जदि दुईटी परस्पर परिपूरक कोण मध्ये रु गोटिकर माप डिग्री रे प्रथम दुईटी मौलिक संख्यार समष्टि रो 6 गुण हुए तबे अन्य कोणटीर परिमाप केते गोटे माप केते अछि प्रथम दुईटीर मौलिक संख्या 2 + 3 तार 6 गुण 5 * 6 = 30 तो आरोटा केते होबो परिपूरक कहिजे माने दुईटा मिसि के 180 डिग्री होतबा कथा तो 180 माइनस 30 कोले केते होबो 150 150 डिग्री होबो यार आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जदी एबीसीडी एको आयतचित्र होए तेबे मेजर ऑफ एंगल ई कोण एफ कोण जी कोण एच कोण आई कोण जे कोण के कोण एल रो परिमाप रो समष्टि केते होबो तो यार आंसर हे जइबो 45 * 8 काहे कि ना एटा 45 एटा 45 एटा 90 माने एटा 45 एटा 45 एटा 45 एटा 45 केतला 45 होची 2 2 4 2 6 2 8 तो 45 * 8 = 360 डिग्री हिजबो आंसर क्वेश्चन नंबर 40
ଦତ୍ତଚିତ୍ରରେ ମେଜର ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଏ ବି ଡିର ପରିମାପ କେତେ ହେବ, ଏ ବି ଡିର ପରିମାପ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ଦେଇଛି 20, ଏଇଟା ଦେଇଛି 30, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 130, କାହିଁକି ନା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, 50 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 180 ହେବ, ଆଉ 130 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 180 ହେବ, ଏଇଟା ଯଦି 130 ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ତ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ନା, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ 50 ଡିଗ୍ରୀ, 180 ମାଇନସ୍ 130 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କୋଣ ଏ ର ପରିମାପ 62 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏହାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାପ କେତେ, 90 ମାଇନସ୍ 62 କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 28। ଦତ୍ତଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ଡି ର ପରିମାପ 74 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସି ବି ଡି ର ପରିମାପ କେତେ, ଏଇଟା ଦେଇଛି 74, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ 106, କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟାରେ ତିନିଟା ବାଜିଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପରିମାପ କେତେ, ତିନିଟା ବାଜିଲା ମାନେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଏଇଠି ରହିବ 12ଟାରେ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 3ଟାରେ ରହିବ, ଏଇଟା ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାପରେ ଦୁଇଟି କୋଣ କହିଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିଧା ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିଦେବା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନେଇକି ଯଦି ଭାବିବା, ତ ଏଇଠି 90 ହେବ, ଏଇଠି 90 ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 90 and 90, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାପର ସମଷ୍ଟି କେତେ, ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାପର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାପର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦତ୍ତଚିତ୍ରରେ ଇ ବି ଡିର ପରିମାପ କେତେ, ଇ ବି ଡି ଇଏ କୋଣର ପରିମାପ କେତେ, ଇ ବି ଡିର କୋଣର ପରିମାପ କେତେ, ସରି ଇ ବି ଡିର କୋଣର ପରିମାପ 95 ନୁହଁ, ଏଇଟା 85 ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯଦି 85 ହେଲେ ଏଇଟା ବି 85 ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା 85 ହେବ। ଦେନ୍ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ନେଇକି 16ଟା ଅଛି, 4ଟାକୁ ନେଇକି 9ଟା ଅଛି, 9ଟାକୁ ନେଇକି 4ଟା ଅଛି, 16ଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଟ୍ରିକ୍ସ, ଏମିତି ହିଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣିବ ତ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ ହେଲା 30, ତ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 30ଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶିକି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି 4:3, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରିଭୁଜ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି 3:4, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜର 3, ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରିଭୁଜର 4, ତ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଭୂମିର ଅନୁପାତ କେତେ, ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4:5, ଉଚ୍ଚତା 3:4, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର, ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି 1 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା କେତେ 3x, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଯଦି କରିବା ତ କେତେ ହେଲା, ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4x, ଏଇଠି x ବାହାରିଯିବ, ଏଇଠି ପୁଣି x2 ବାହାରିଯିବ, ତ x1:x2 କଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 16:9, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48, ଯଦି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ, ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ, ତ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତା'ର ସୂତ୍ର ଅଛି ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍, ତ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି 13 + 14 + 15/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 21, ତ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 84 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେନ୍ 49, ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ସମବାହୁ ମାନେ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା ବି ଏକ୍ସ, ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା 6, ତ ଏଇଟା ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ହାଫ୍ଟା, ହାଫ୍ଟା କେତେ x/2, ଏଇଟା x/2, ଏଇଟା ଏକ୍ସ, ତ କର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବା ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p² + b² ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସେ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇପାରିବା 8, ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଭୂମି ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଭୂମିଟା ଏକ୍ସ, ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିପାରିବା 2√3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 1/2:1/3:1/4 ଓ ପରିସୀମା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, 1:2:1:3:1:4, ଏହାକୁ 1/2 ନ ପଡ଼ିକି 1:2 କୁହନ୍ତି ଏକା କଥା, ତ 1/2x + 1/3x + 1/4x = କେତେ ଦେଇଛି ପରିସୀମା 52, କାହିଁକି ନା ତିନି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ଯେତିକି ସେଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା, ତ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ବାହାରିଯିବ, ଏକ୍ସ ବାହାରିଗଲେ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ସବୁ ପାଇଯିବା, ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ିବା କେଉଁଟା ଛୋଟଟା, ଛୋଟଟା ହେଲା 12, ଠିକ୍ ଅଛି।
नेक्स्ट क्वेश्चन 94 को 94 थर जोग कले जोगफल केते हबो बेटर 94 को 94 सहित मल्टीप्लाई कर दियो आंसर केते हबो 88 एंड 36 8836 हे जबो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्षुद्रतम संख्या को 4 और 3 द्वारा भाग कले भागशेष 2 हुए एवं 7 द्वारा भाग कले भागशेष 1 हुए संख्याडी केते याको भी चेक करि परबो आंसर थ्रू रु जाई के ऑप्शन थ्रू रु जाई के तो आंसर केते हला 50. नेक्स्ट क्वेश्चन गोटिए संख्या 15 और 12 उभय द्वारा विभाज्य अटे निम्न रे दिया जायथवा केउटी ठीक नुहे संख्याटी 15 और 12 द्वारा विभाज्य हबो सेडा निश्चित भाबे कहा जाई परबो नाही एही उक्तिटा भूल अछि काहे कि ना गोटे संख्या यदि 15 और 12 उभय द्वारा विभाज्य होउछि त माने सेडा 15 * 12 द्वारा भी विभाज्य हबो डेफिनेटली हबो ठीक अछि. क्वेश्चन नंबर 54 तीनोटी मौलिक संख्या मध्यरु प्रथम दुईटीर गुणफल 133 और शेष दुईटीर गुणफल 209 हेले संख्या गुडीक यथाक्रमे केते हबो तो एटा भी ऑप्शन थ्रू जीवा आंसर हे जबो 7 19 आउ 11. देन नेक्स्ट क्वेश्चन केउ क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या को सही संख्या रे गुणिले एक 4 अंक विशिष्ट संख्या हबो जहार उभय एकक अंक भी 4 हबो आउ दशक अंक भी 4 हबो माने लास्ट दुईटा डिजिट 4 हबो तो एटा भी ऑप्शन थ्रू रु गले आंसर हे जबो 32. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 और 70 मध्य रे जेउ 4 टी संख्या रो गसागु 16 हुए सेमानकर लसाउ केते हबो 10 और 70 मध्य रे केउ 4 टी संख्या अछि जहार गसागु 16 तो 16 रो टेबल रे बा 16 16 पणिकिया रे कोन कोन आछि 10 आ 70 भितरे 16 32 48 64 हला तार लसागु आमे इजीली काढि परबा 192 हे जबो तार आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दुईटी क्रमिक युग्म संख्या निर्णय करो जेपरी कि सेमानक मध्यरु सान संख्यार एक चतुर्थांश बड़ संख्यार एक पंचमांश ठारु 4 अधिक हबो तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू केते होतबो सेकंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 होतबो ए कंडीशन जोटी सेटिस्फाई करिवो सेठी हिजबो हमरो आंसर तो ऑप्शन थ्रू गले ऑप्शन नंबर सी हिजबो आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 58 गोटिए दुई अंक विशिष्ट संख्यार एकक स्थानटी 3 अटे यहार एकक और दशक स्थानर अंक मानकर समष्टि दत्त संख्यार 1/7 हेले संख्याटी केते हबो एटाकु भी ऑप्शन थ्रू रु जीवा क्वेश्चन कोन कहिछि ना दीटा अंक को मिसै देले 9 होउछि से जहा भी होउछि से 9 टा कोन 63 से अंक से संख्या डिवाइडेड बाय 7 तापरे कंडीशन आउ कोन देछि फर्स्ट कंडीशन देछि दशक सॉरी एकक घरे 3 आसीबो हला एकक आ दशक अंकर समष्टि को मिसै देले जति की हबो तार 1/7 बा डिवाइडेड बाय 7 कर देले सेति की हबो तो गोटे ही ऑप्शन अछि जेडा की 63. देन क्वेश्चन नंबर 59 राम हरि मध्य रे राम हरि थारु 30 वर्ष बड़ अटे जदि 12 वर्ष पर रामर वयस हरि वयसर 3 गुण हुए तेबे रामर वयस केते एटा भी ऑप्शन थ्रू गले आंसर आसी जीवो 33. एक गणित परीक्षा रो प्रश्नपत्र रे 50 टी प्रश्न थिला जेउ थिरे ठीक उत्तर देले 5 मार्क मिलथुला ओ भूल उत्तर देले 2 मार्क काटि दिया जथुला नेगेटिव मार्किंग थिला तो जदि जणे परीक्षार्थी एही परीक्षा रे समस्त प्रश्न रो उत्तर देछि सर्वमोट केते मार्क पाइछि से 222 मार्क पाइछि तबे से केतोडी प्रश्न रो ठीक उत्तर देथिला तो आंसर हिजबो लास्ट ऑप्शन जोडई ऑप्शन डी 46 हिजबो यार आंसर एडा भी ऑप्शन थ्रू रु जीवाकू पडिबो ठीक अछि. हियर इज कंप्लीट आवर वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग थैंक यू बाय बाय.